सर, जिस थाने में मैं पहुंच जाता हूं, हल्का हल्का में टहलका मच जाता है कि इंग्लैंड वाला दरोगा खदेरू सिंह आया है। वो बहुत कड़क दरोगा होता है, वो जिसको मारता है दो चार घंटे मारता ही रहता है, मारते मारते सो जाता है, जागता है तो फिर शुरू कर देता है। जिसको अंदर कर देता है उसको निकालना भूल जाता है, वो अच्छे अच्छे की खटिया खड़ी कर देता है। रही बात ये, हिंदी भाषा को हम बराबर नहीं बोल पाता हूँ, अभी हम हिंदी बोलना थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ, सीख रहा हूँ। वर्मा जी, विश्वकर्मा जी, हमसे कोई बात गलत हो जाए तो तुम दोनों अच्छी तरह से हमको समझा देना। देहात के थाने में हम देखता हूँ एक चौकीदार होता है, लेकिन इस थाने में क्या देख रहा हूँ कि कोई चौकीदार नहीं दिखाई पड़ रहा है। चौकीदार हल्के में गया है साहब, हल्के में गया है सर। वो इस थाने में हमको इतना दिन आए हो गया, चौकीदार से कभी नहीं मुलाकात हुई। चौकीदार से बोल दो महीने में एक या दो बार तो थाने में हाजिरी लगा दिया करे। ठीक है सर, चौकीदार को बुलाओ बहुत जल्द। यस सर। चौकीदार आए साहब। साहब चौकीदार आ गया। तुम थाने के कौन होती है? कौन होता है साहब? कौन होता है? तुम थाने के कौन होता है? थाने का हम जनानी यही। ओ वर्मा जी। जी साहब। ये चौकीदार क्या बोलता है? चौकीदार हाँ? क्या बोल रहे हो साहब? कहे तुम थाने कौन होती है? कौन होता है साहब? आपको बताए ना कि साहब इंग्लैंड से आए हुए हैं। साहब इंग्लैंड से आप आए? और क्या चौकीदार? हम थाने का साहब चौकीदार ही। देखिए साहब। ओ, तुम थाने के साहब चौकीदार हो? नहीं नहीं नहीं, नहीं। साहब आप हैं, चौकीदार हम हैं। ओ तो तुम ऐसा बोलो कि साहब हम थाने का चौकीदार होता है। जी साहब। वो चौकीदार? जी साहब। वो देहात के चौकीदार को हम देखता है थाने में बड़ी बड़ी लठ लेके आता है। जी साहब। तुम थाने में छोटी लठ लेके क्यों आती है? आता है साहब। क्यों आता है? जी साहब। वो थाने में छोटी लठ लेके क्यों आता है? साहब बात ऐसी कि हम जानवर छोड़े थे, वर्मा जी साहब आवाज लगा दिए, मैं यही लाठी लेकर चले आए साहब। सरकारी लाठी घर में भूल गया। वो सरकारी वर्दी पहन के सरकारी साफा बांध करके तुम जानवर को चराता है? जी साहब। ओ चौकीदार जी, तुम्हारी चालो चलन को हमको बराबर मालूम हो गया। जी साहब। तुम लोग गवर्नमेंट का पैसा हराम का खाते हो, तुम लोग थाने में ज्यादा ड्यूटी नहीं करते हो। जी साहब। तुम ज्यादा घर मराते हो। मराते हो? हाँ, यानी ज्यादातर घर में रहते हो। ज्यादा तुम घर में रहते हो साहब का कहना है? हाँ साहब, ज्यादातर हम घर में रहते हैं। हाँ भी वही बोलता है, तुम थाने में ज्यादा ड्यूटी नहीं करता है, तुम ज्यादा घर मराता है। किन कहीं मराता है? जी साहब, ज्यादा घर में रहता है। घर में रही साहब? चौकीदार जी, तुम्हारे पास कितने जानवर होता है? साहब हमारे पास 40 जानवर है। ओ माय गॉड, तुम्हारे पास 40 जानवर होता है? चौकीदार, जब तुम्हारे पास 40 जानवर होता है तो कम से कम 200-400 बीघा तुम्हारी जमीन होगी। नहीं साहब, जमीन एक बिस्सा नहीं है। वो जमीन एक बिस्सा नहीं, जानवर 40? जी साहब। वो चौकीदार, जब तुम्हारे पास जानवर 40 और जमीन एक बिस्सा नहीं, तुम्हारे जानवर को चारा भूसा कहाँ से मिलता है? साहब खुशी की बात है, हमारे जानवर को चारा भूसा नहीं लगता। क्या हवा पीते हैं क्या? हवा वाली बात नहीं साहेब। सवेरे खटिया पर से सोए उठे साहेब, डाला खसकाए दिन। चौकीदार, डाला क्या होता है? मुहारा खोल दिया। वो जानवर का दरवाजा खोल दिया? जी साहेब। उसके बाद? उसके बाद खर 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 जानवर सब भागे जा रहे हैं पीछे से। तुम्हारे दिमाग खराब हो गया बदतमीज कहीं का? सर भी चला जा नालायक कहीं का। साहब को खसा गई साहब। आओ मर कहा ना भैया। साहब इसी तरह के जानवर पीछे दौड़ता रहता सर। आवा साहब,
ऐसे साहब जानवर के पीछे पीछे हम भागते रहते हैं। वो जानवर को खोल देता है जी तो जानवर दौड़ता रहता है, तू जानवर के पीछे ऐसे लगे रहते हो जी ना। चौकीदार जी बताते बताते इतने जोर से ताव में आ गया जी, अभी तुम हमारा सर फोड़ डालता। हम तुमको अंदर करके के सारी चौकीदारी तुम्हारी भूल जाएगी। चौकीदार जी तुम्हारे पास कौन जात हो साहब? अच्छी जात है, तुझे खानदान का आदमी हूँ साहब। वो बर्मा हो? बर्मा से अच्छी जात। ओ मैं समझ गया तुम चौहान हो। चौहान से अच्छी जात साहेब। ओ मैं समझ गया तुम ठाकुर हो, छत्री। छत्री से अच्छी जात साहेब। ओ बर्मा जी। जी साहब। ओ छत्री से अच्छी जात। ओ मैं समझ गया पंडित ब्राह्मण हो साहेब। पंडित से अच्छी जात। ओ पंडित से भी अच्छी जात। ओ पंडित से अच्छी जात बर्मा जी कौन होती है? चौकीदार जी दाम तुम्हें बताओ कौन जात हो? साहेब हम ही पासी। ओ तुम जात का पासी? ओ मैं समझ गया जो शोर को चराता है। तुम इस तरह क्यों नहीं बताता एक घंटे से? ब्रह्मा अच्छी जात अच्छी जात अच्छी जात काटे काटे अंत में क्या निकला? जात का पासी। ओ चौकीदार जी आज से कान खोल कर सुन लो जी ना। वो जब भी थाने में आया करो। यस सर। वो वर्दी की सफाई करके। यस सर। वो अच्छी तरह से साफा बांध कर बड़ी लठ लेके। यस सर। थाने में आया करो। यस सर। चौकीदार साफ है सर इसका। ओ चौकीदार तुम्हारा साफा फट गया है क्या रे? नहीं सर साफा मारो। ये क्या लगा रे? तुमको सरकारी साफा मिलता है तो साया बनवा कर एक साफा में दोनों परानी काम चलाते हो। चौकीदार एक क्या रखा है? वही खटी वो सफो धरे रहे, वही मेहरारुआ का साहब रहा सफो लाल यहाँ लाल। हम कहीं साहब सफो ही तब कहीं साहब कहे चल रहा ही ना।